ओके, तो नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम पोरिफेरा। पोरिफेरा इट मीन्स स्पॉन्जेस के लिए, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ओके, देन प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लेट एंड हेल, व्हेनेवर हेल्मिन्थ ये टर्म आ जाए, हेल्मिन्थ रिप्रेजेंट वर्म। ओके, तो हेल्मिन्थ का मीनिंग है वर्म, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस, देन उसके बाद में प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद में एस्कलहेल्मिन्थेस भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो प्लैटीहेल्मिन्थेस एस्कलहेल्मिन्थेस दोनों में सफिक्स आ रहा है हेल्मिन्थेस, तो हेल्मिन्थ, हेल्मिन्थ का मतलब होता है वर्म, हेल्मिन्थेस इट मींस एनी वर्म्स, तो वर्म्स वहां पर इंक्लूड किए जाएंगे। तो वर्म्स ओनली दो फाइला में, ट्रू वर्म्स आर इंक्लूडेड अंडर ओनली टू फाइला, ट्रू वर्म्स आर इंक्लूडेड अंडर ओनली टू फाइला, विच आर दे, वन इज प्लैटीहेल्मिन्थेस एंड अदर इज, सेकंड कौन सा है बेटा, एस्कलहेल्मिन्थेस, यस एस्कलहेल्मिन्थेस व्हिच इज अर्लियर नोन एज नेमेथेल्मिन्थेस। ओके, सो एस्कलहेल्मिन्थेस एंड नेमेथेल्मिन्थेस में, और प्लैटीहेल्मिन्थेस एंड एस्कलहेल्मिन्थेस में ओनली दीज टू फाइला में वर्म्स को, ट्रू वर्म्स को हम इंक्लूड करते हैं। ओके, इसको छोड़ करके अगर किसी भी फाइलम के लिए आपको अगर बोला जाए कि वहां पर वर्म ये टर्म यूज की जाए, लाइक हम बहुत सारे ऐसी चीजें पढ़ेंगे जिसमें वर्म ये टर्म आएगी आपको बार बार। ओके, तो लाइक हम पढ़ेंगे अर्थवर्म इन एनिलिड्स। ओके, तो अर्थवर्म, अर्थवर्म एनिलिडा फाइलम का मेंबर है, तो क्या अर्थवर्म ट्रू वर्म है बेटा? नो नो नो, है ना, हमने डायरेक्टली क्राइटेरिया सेट कर दिया कि वर्म्स उसको कहेंगे जिसके फाइलम में हेल्मिन्थेस लगेगा। ओके, अब वर्म की डेफिनेशन क्या होती है वो तो हम लेटर डिस्कस करेंगे, बट आपको ये पहले तो ये क्लियर करना है कि इन दो फाइला को छोड़ करके अगर किसी भी फाइलम में वर्म ये टर्म आ जाए। ओके, लाइक जो हेमीकॉर्डेट्स है ना, हेमीकॉर्डेटा, 10th वाला फाइलम, उसके लिए हम उनके मेंबर्स को हम वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे सी वर्म्स। ओके, उनको सी वर्म्स कहेंगे, तो क्या वो ट्रू वर्म्स है सी वर्म्स? नो नो। ओके, अर्थवर्म भी ट्रू वर्म नहीं है, सी वर्म्स भी ट्रू वर्म नहीं है, है ना, जैसे कि हम हेमीकॉर्डेट के एक मेंबर बेलेनोग्लॉसस सेक्कोग्लॉसस पढ़ेंगे, तो बेलेनोग्लॉसस को हम टंग वर्म बोलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जब किसी के आगे सफिक्स लगा दिया वर्म तो 100% वो वर्म हो गया, नहीं। ओके, उसका वर्म लाइक अपियरेंस है या वर्म लाइक कुछ कैरेक्टर मिल रहा है, देयरफॉर उसको वर्म बोल दिया गया था, लेकिन वो ट्रू वर्म नहीं है। ट्रू वर्म फॉल अंडर ओनली टू फाइला, ठीक है, दो फाइला में ही हम उनको इंक्लूड कर सकते हैं, प्लैटीहेल्मिन्थेस एंड एस्कलहेल्मिन्थेस। ओके, अभी तक जो हमने फाइला पढ़े थे, पोरिफर्स, सिलेंट्रेट निडेरियंस एंड थर्ड टिनोफोर्स, क्या उसमें कोई भी टेरेस्ट्रियल मेंबर था? नो नो नो, नहीं, टेरेस्ट्रियल मेंबर नहीं था, ठीक है, उनमें ऑल एक्वेटिक मेंबर्स थे। ओके, उनमें ओनली एक्वेटिक मेंबर्स थे,
तो वाटर के बाहर मिलने वाले सबसे पहले एनिमल्स है वर्म्स, ओके ये ध्यान रखना। तो इवोल्यूशन हो रहा है एक्वेटिक एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स, एनिमल्स में जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था, प्लांट्स में फर्स्ट लैंड प्लांट कौन से पढ़े थे बेटा हमने, रिकॉल करो फर्स्ट लैंड प्लांट्स, यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है, हमने टेरिडोफाइट को कहा था फर्स्ट लैंड वास्कुलर प्लांट, ब्रायोफाइट, ओके वेरी गुड, टू थ्री स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है, ओके तो ब्रायोफाइट फर्स्ट लैंड प्लांट थे, एम्फीबियंस कहा था हमने उनको, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस का मतलब एम्फी इट मींस ड्यूअल, बायोज इट मींस लिविंग, तो ड्यूअल लिविंग शो करते हैं, मतलब वो वाटर बॉडी में भी रह पा रहे हैं और बाहर भी, तो उनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस एनिमल्स में। लेकिन प्लांट तो मूव नहीं कर सकते, प्लांट तो लोकोमेट नहीं कर सकते, ओके प्लांट मूव कर सकते बट लोकोमेट नहीं कर सकते, लोकोमोशन मतलब अपनी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ओके तो यहां पर प्लांट्स को हम वहां पर वो प्लांट्स लोकोमेट नहीं कर पा रहे हैं जिनको हमने एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा ब्रायोफाइट्स, बट वो ऐसी सॉइल में है, ऐसी सॉइल में मतलब लैंड पर है जहां पर एबंडेंस में वाटर है, ओके वाटर रिच सॉइल है, ठीक है। तो वो फर्स्ट लैंड प्लांट ब्रायोफाइट्स आप आंसर दोगे, अगर आपको पूछा फर्स्ट लैंड प्लांट फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स, तो वास्कुलर मतलब कि जिसमें वेसल्स आने के स्ट्रक्चर मतलब जाइलम फ्लोएम स्ट्रक्चर्स कुछ आने लग जाते हैं कंडक्शन के लिए, वो है टेरिडोफाइट्स। अगर बोला फर्स्ट वास्कुलर लैंड प्लांट्स देन आपका आंसर टेरिडोफाइट्स होना चाहिए। उसी तरह से फर्स्ट एनिमल्स जो वाटर से बाहर आए हैं, ओके वाटर से बाहर मिल सकते हैं, वो है वर्म्स, और वर्म्स में प्लैटीहेल्मिंथीज, प्लैटीहेल्मिंथीज के लिए हैबिटेट अगर हम बात करेंगे तो कुछ वर्म्स प्लैटीहेल्मिंथीज एक्वेटिक हो सकते हैं, ओके इवन वाटर बॉडी में भी मिल सकते हैं वहां पर कुछ, ओके सम आर एक्वेटिक कुछ वाटर बॉडीज में मिल सकते हैं, वाइल सम आर टेरेस्ट्रियल बट फ्यू आर फ्री लिविंग, ओके ये इस स्टेटमेंट का मीनिंग कौन बताएगा, बट फ्यू आर फ्री लिविंग, क्या समझे बेटा आप लोग फ्री लिविंग इस टर्म से, फ्रीली लीव करना मतलब जैसे मैं हूं, मैं यहाँ पर फ्रीली मूव कर रहा हूँ, लोकोमेट कर रहा हूँ, सर्वाइव करना इंडिविजुअली प्रेजेंट है, इंडिविजुअली प्रेजेंट है, ओके क्लियर। तो फ्री लिविंग का मतलब होता है कि वो इंडिविजुअली प्रेजेंट है, वो अपने आप मूव कर सकता है, अपने आप लोकोमेट कर सकता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं है, ओके तो फ्री लिविंग मतलब वो कैसा प्रेजेंट है इंडिविजुअली, क्लियर। किसी के पास में पैरासाइट के फॉर्म में चिपका हुआ नहीं है, किसी की बॉडी के ऊपर एक्टोपैरासाइट नहीं है, किसी की बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट नहीं है। पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, अगर सरफेस पर किसी ऑर्गेनिज्म की सरफेस पर अगर वो एक्सटर्नली अगर वहां पर पैरासाइट के फॉर्म में रह रहा है उस पर, तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट, वाइल जो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करेगा या सेल के अंदर रहेगा उसके, तो उसको हम बोलते हैं एंडोपैरासाइट, ओके तो यहां पर ओनली फ्यू मेंबर्स फ्री लिविंग है, ओके मतलब मोस्ट ऑफ द प्लैटीहेल्मिंथीज, मोस्ट ऑफ द प्लैटीहेल्मिंथीज पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं, फ्री नहीं रहते हैं, तो फिर पैरासाइट होंगे, दूसरे की बॉडी के कॉन्टेक्ट में होंगे, अकेले नहीं है तो मोस्टली पैरासाइट
और पैरासाइट्स में भी कॉमनली उनमें एंडोपैरासाइट्स, ओके, उसमें भी इनमें सबसे ज्यादा टाइप कौन सा होता है पैरासाइट में, एंडोपैरासाइट मतलब बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, ओके okay? बहुत सारे ऐसे प्लैटी हेलमिंथीज है जो ह्यूमन बीइंग को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे कैशियोला हिपेटिका, लिवर फ्लूक, ओके लिवर फ्लूक इसका एक एग्जांपल हम बात करेंगे जो ह्यूमन बीइंग के लीवर को इन्फेक्ट कर सकता है, ओके okay? तो कैशियोला हिपेटिका जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, लीवर फ्लूक बोलते हैं उसको क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के लीवर में पैरासाइट के फॉर्म में रहेगा, तो लीवर के अंदर है किसी ह्यूमन बीइंग के, ओके तो लीवर ह्यूमन बीइंग का लीवर बॉडी सरफेस पर है कि बॉडी के अंदर है, अंदर अंदर है, अंदर है, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक्टोपैरासाइट हुआ या एंडोपैरासाइट, एंडो 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 गुड एंडोपैरासाइट, ओके अगर स्किन पर अगर रहता कोई, जैसे कि बहुत सारे फंगस वगैरह जो है वो रिंगवर्म कॉज करते हैं, तो रिंगवर्म कॉज करने वाला ओके रिंगवर्म, तो हम रिंगवर्म फंगस के कारण होता है, किसी वर्म के कारण नहीं होता, ये ध्यान रखना, तो रिंगवर्म कॉज कर रहा है कोई फंगस, ओके तो वो फंगस क्या है, एक्टोपैरासाइट है उस टाइम पर या एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट 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 गुड, क्योंकि वो बॉडी सरफेस पर फॉर्म करवा रहा है, ओके तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि पैरासिटिक नेचर कैसा होता है, दो टाइप का होता है अदर एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट, तो मोस्ट ऑफ द प्लैटी हेलमिंथीज के मेंबर्स एंडोपैरासाइट होते हैं, बहुत ही कम जो है वो इंडिविजुअली आपको मिलेंगे, अलग मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, ओके ज्यादातर मिलेंगे आपको होस्ट की बॉडी के अंदर, तो ये उसका हैबिटेट हो गया। प्लैटी हेलमिंथीज आर कॉमनली नोन एज फ्लैटवर्म्स, ओके members are commonly known as flatworms, इनको flatworms बोलते हैं, तो why क्यों बोलते हैं, reason भी पता होना चाहिए, हम हर एक phylum में discuss करते आ रहे हैं कि क्यों उनको ऐसा special नाम दिया जाता है, porifers को हमने कहा था pores, यस वेरी गुड बेटा, पोरीफर्स पर स्पॉन्जेस पर पोर्स होते हैं, ओके आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा शायद बैकग्राउंड म्यूजिक, आ रहा है क्या आवाज, लाइटनिंग, यस सर, यस सर, है ना, अच्छी खासी लाइटनिंग हो रही है हमारे एरिया में, ओके हाँ। तो फ्लैट हम बोल रहे थे कि डिफरेंट फाइला को हमने उनके जो नेम है वो क्यों दिया है कॉमन नेम, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, पोरीफर्स स्पॉन्जेस के लिए पोरीफर हम टर्म यूज करते हैं क्योंकि पोर्स मतलब माइन्यूट होल्स वहां पर प्रेजेंट रहते पूरे ऑल ओवर द बॉडी, ऑस्टिया ठीक है एंट्री के लिए, और एक सिंगल ऑस्क्यूलम बड़ा होल एग्जिट के लिए, फिर हमने सिलेंटेड निडेरियन को कहा था, सिलेंटेड इसलिए क्योंकि उसमें सिलेंटेरॉन मिलती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मिलती है, ओके अब कोई स्टूडेंट आ रहा है उसको बाद में चलो एंटर करवा देता हूं, ओके मैं एक्सप्लेन करते करते, ओके देन सिलेंट्रेट मतलब सिलेंटेरॉन रहेगी, इंटेरॉन ओके गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी रहेगी डाइजेशन के लिए, देन निडेरियंस इसलिए कहा था क्योंकि निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स होती है जिसमें निमेटोसाइट्स होती है ओके स्टिंगिंग सेल्स होती है, देन पिनोफोर्स इसलिए कहा था क्योंकि वहां पर कॉम जेलीज क्योंकि कॉम कॉम्प्लेट बनती है सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स लोकोमोशन मूवमेंट के लिए, और अभी प्लैटी हेलमिंथीज को फ्लैटवर्म इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन होती है, ओके व्हाई वी कॉल्ड
प्लैटीहेल्मिन्थीज एज फ्लैटवर्म्स, क्या मेंबर्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थीज एज फ्लैटवर्म्स, क्या रीजन बताया मैंने, उनकी बॉडी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटी। यस बताओ बेटा, बता रहे थे आप, वेरी गुड। क्यों कहा हमने फ्लैटवर्म्स बोले जल्दी से, सब स्टूडेंट बता सकते, कोई भी बता सकता है फ्लैटवर्म्स क्यों कहा? बिकॉज देयर बॉडी आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। यस, इनकी बॉडी फ्लैट होती है, रिबन शेप होती है, रिबन लाइक फ्लैट होती है। आप में से कितने स्टूडेंट्स ने रिबन देखी है? यस 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 सर। आज से लगभग जो है अबाउट 10-20 इयर्स बिफोर जो है बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट जो है वो स्कूल वगैरह में जाते थे ना, तो छोटे छोटे वहां पर, तो उनकी मदर्स उनको रिबन वगैरह बांधती थी, रिबन बांध करके जो है वो ऐसी वेनी वगैरह बना करके जो है, मेरी सिस्टर जब जाती थी तो ऐसी वेनी बना करके जाती थी। ओके सर, हम लोग भी जाते थे। मुझे लगा आप yes, आप लोगों ने छोड़ दिया होगा। ओके गुड गुड टू हियर। ओके तो रिबन तो मतलब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा ही है, अदरवाइज जिन्होंने नहीं देखा वो शॉप वगैरह में कोई भी ओपनिंग हो रही है तो रिबन कट करते हैं, तो वो वाली समझ लो आप लोग। ओके तो रिबन कैसी रहती है, फ्लैट रहती है, बस एक पट्टा रहता है कपड़े का सब पूरा प्लेन। ओके क्लियर। तो फ्लैट वॉर्म तो फ्लैट, उनकी पूरी बॉडी फ्लैट है। ओके फ्लैट मतलब चपटी। ओके तो पूरी बॉडी ही उसकी क्या है, फ्लैट है। हमने कहा डॉर्सो वेंट्रली। ओके तो डॉर्सल और वेंट्रल एक बार फिर से रिपीट हो जाए बेटा, क्या किसको कहेंगे डॉर्सल और किसको कहेंगे वेंट्रल, तब तक मैं यहां पर उसका रीजन लिखता हूं। बिकॉज डॉर्सल किसको कहेंगे साइड और वेंट्रल साइड किसको कहेंगे, बताओ जल्दी। जिसमें माउथ प्रेजेंट है वो वेंट्रल, और जहां पर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है वो डॉर्सल। नर्व कॉर्ड बेटा ध्यान रखो, हम किसके लिए बोल रहे हैं अभी, अभी नॉन कॉर्डेड पढ़ रहे हैं हम, तो अभी तक हमने पोरीफोर्स सिलेंट्रेट निडेरियन तीनों फोर्स में नर्व कॉर्ड टर्म यूज ही नहीं किया है। नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा है सिलेंट्रेट्स में, हाइड्रा में नर्वस सेल्स मिलती है, न्यूरोग्लिया बनना शुरू हो रहा है। ओके मास ऑफ न्यूरॉन बनना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर हाइड्रा में एक सिंपल नर्वस सिस्टम बोल सकते जिसमें कि नर्व सेल्स प्रेजेंट है, तो हाइड्रा में है, बट अभी नर्व कॉर्ड नहीं बनी है किसी में, अभी हमने नर्व कॉर्ड ये टर्म यूज नहीं किया है, अभी हम नर्व कॉर्ड ये टर्म एस्केल हेल्मिन्थीस से यूज करेंगे। तो आपने जो बताया वो करेक्ट है, बट वो कॉर्डेट के लिए करेक्ट हो गया सेकंड वाला जिसको डॉर्सल साइड बोला, दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। तो डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड। ओके तो आपको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी एनिमल के लिए, एनिमल है मतलब होलोजोइक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इट मींस उसमें बॉडी में फूड हमेशा एक ओपनिंग से एंटर करेगा। ओके पोरीफोर से हमने स्टार्ट कर दिया ओपनिंग, ऑस्टिया वहां पर एंट्री के लिए ओपनिंग है, तो ओपनिंग वहां पर होगी। ओके तो जो मेन ओपनिंग है जिससे फूड एंटर कर रहा है उसको हम बोलते हैं माउथ, और जिधर माउथ है वो उस एनिमल की बॉडी का वेंट्रल पार्ट। ओके क्लियर, वेंट्रल पार्ट। और माउथ जिस साइड पर माउथ अवेलेबल नहीं है अपोजिट साइड उसकी, उसको आप डॉर्सल पार्ट बोलोगे। फिर कॉर्डेट्स में
कॉर्डेट्स में पीछे नौ कॉर्ड और नौ कॉर्ड से आगे स्पाइनल कॉर्ड बनती है. इवन नोटोकॉर्ड भी होती है कॉर्डेट में, और नोटोकॉर्ड से प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम भी बन सकता है वर्टिब्रेट्स में. तो नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड में होती है कॉर्डेट्स में, बट फ्यू नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड मिलती है और उनमें वेंट्रली प्रेजेंट रहेगी नर्व कॉर्ड. ओके, वेंट्रल नर्व कॉर्ड से ध्यान रखना. ओके, बेसिक फीचर्स हो जाए जल्दी से. फर्स्ट बेसिक फीचर इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो कौन से टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा यहाँ पर? प्लैटीहेल्मिंथीज़ में फॉर द फर्स्ट टाइम इन इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑर्गन डेवलप होते हैं टिश्यू से. ओके, यहाँ पर पहली बार ऑर्गन आते हैं, देयरफॉर ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड बॉडी सिमेट्री, बायलैटरल, इनको इक्वल हाउस में कट कर सकते हैं, बट ओनली थ्रू अ सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन कर सकते हैं, देयरफॉर बायलैटरल. ओके, अब टीनोफोर्स हमने जो पढ़ा था, ओके, टीनोफोर्स सिलेंट्रेट्स में वहां पर रेडियल सिमेट्री है, बट वहां पर बाय रेडियल सिमेट्री ये ज्यादा प्रिफर करते हैं टर्म. ओके, ये ध्यान रखना, बाय रेडियल. ओके, बाय रेडियल सिमेट्री बोल दी जाए तो आपको वहां पर आपके माइंड में आना चाहिए कि वो कहीं ना कहीं सिलेंट्रेट निडेरियन टीनो फोर में से पूछ रहा है कोई क्वेश्चन. ओके, बाय रेडियल ये टर्म यूज कर दी जाए. नेक्स्ट थर्ड बेसिक फीचर, सिलोमेट. तब बोलेंगे जब उनके पास में बॉडी कैविटी होगी और बॉडी कैविटी को कवर करेगी, दोनों तरफ से कवर करेगी मेसोडर्म. क्या यहाँ पे मेसोडर्म प्रेजेंट है या एब्सेंट है बेटा? एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट होती है. तो देखो, इवोल्यूशन में पहली बार कुछ चीजें प्लेटफॉर्म्स में हो रही है, वर्म्स में. ओके, प्लेटफॉर्म में पहली बार वो जो है वो 100% एक्वेटिक नहीं है, पानी से बाहर आ रहे हैं, लिविंग बीइंग के अंदर रह रहे हैं, पैरासाइट्स के फॉर्म में है ज्यादातर. ओके, एक्वेटिक टर्म्स वहां से. ओके, फिर उनमें ऑर्गन बन रहे हैं पहली बार, पीछे से ऑर्गन बनना शुरू हो रहे हैं. ओके, फिर बायलैटरल सिमेट्री वहां पर गेन की उन्होंने, पहली बार बायलैटरल सिमेट्री प्लेटफॉर्म से आ गई है. ओके, पहली बार मेसोडर्म भी बनती है एनिमल इवोल्यूशन में प्लेटफॉर्म्स में. तो मेसोडर्म प्रेजेंट है, देयरफॉर थ्री लेयर्स है यहाँ पर, थ्री जर्मिनल लेयर्स. यहाँ पर बॉडी कैविटी नहीं है, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म तो है, लेकिन उसने बॉडी कैविटी नहीं, पूरी की पूरी जो जितनी जगह थी पूरी कवर कर ली. सॉलिड सॉलिड वहां पर बनता है, वहां पर स्ट्रक्चर सिलोम नहीं है. मेसोडर्म प्रेजेंट और एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो अब थी पहले से इवोल्यूशन में. थ्री जर्माइनल लेयर्स तो हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है या ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक. वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, अदर फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं. सर डन. वेरी गुड, अदर बैचेस में भी हो गया बेटा? मैंने आप लोगों से पूछा, ऊपर बादलों से नहीं पूछा. वो भी आंसर दे रहे हैं. यस सर. यस सर. ओके ओके,
गुड बेटा, है ना। वो भी आंसर दे रहे कि अभी नहीं हुआ, है ना, अभी और पॉलिश करना है हमको। ओके, नेक्स्ट, दो बेसिक फीचर्स बाकी है अभी यहाँ पर, सेगमेंटेशन एंड प्रोटोकॉल। बॉडी सेगमेंटेशन हमने कहा है, प्रॉपर बॉडी सेगमेंटेशन इसमें मिलता है पहले तो एनेलिट्स, मतलब एनेलिट्स के पहले बॉडी सेगमेंटेड नहीं है। ओके, एनेलिट्स के पहले बॉडी सेगमेंटेड नहीं है, तो प्लैटीहेल्मिन्थीज एनेलिडा फाइलम के पहले आ रहे हैं इवोल्यूशन में या फिर लेटर है? पहले है ना। तो फिर सेगमेंटेशन में क्या लिखे बेटा, बॉडी सेगमेंटेड है और नॉट नॉट नो सेगमेंटेशन। यस, वेरी गुड। बॉडी सेगमेंटेशन तो हम बोलेंगे बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड इन प्लेटवर्म्स, बॉडी इज नॉट सेगमेंटेड into head, thorax, abdomen regions. Body is a head, thorax, abdomen, या फिर tiprosol region, pre-tiprosol region, post-tiprosolar region, या फिर ऐसे कुछ abdominal parts में वहाँ पर distinguish नहीं है, okay? Last segmentation हो गया, last में notochord. Protocol present है या absent है बेटा इसमें? Absent, non-chordates. Yes, therefore we put them under non-chordates. इसलिए हम इनको non-chordates में include करेंगे. Now special features. क्या-क्या qualities मिलती है इनमें? Organ तो सबसे पहली बार मिले ही इनमें. तो इनमें कौन से ऑर्गन्स वहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट के लिए मिल रहे हैं? क्योंकि ये है पैरासाइट, ओके? हमने कहा था ये मोस्टली एंडोपैरासाइट है, अंदर है। तो अगर ये वर्म लाइक है, ओके, और एंडोपैरासाइट है, तो या तो ये बहुत छोटे होना चाहिए कि जो सेल से भी छोटे हो। तो क्या आपको टैपवर्म या जो फेशियोला हिपेटिका है, okay? या फिर प्लानेरिया है, वो क्या इतने छोटे रहते हैं कि हमारी सेल से भी छोटे हैं, एक सिंगल सेल से भी छोटे हैं? नहीं, सेल से बड़े हैं, हमारी सिंगल सेल से बड़े हैं। तो हमारी सिंगल सेल से बड़े हैं तो सेल के अंदर तो नहीं रहेंगे, ओके? बैक्टीरिया वगैरह होता, वायरस, बैक्टीरिया, तो ये सेल के अंदर रह जाते हैं क्योंकि वो सेल से छोटे हैं। सेल के अंदर ये आसानी से साइटोप्लाज्म में रह सकते थे, अब ये सेल के अंदर पूरा नहीं जा सकता, पार्ट तो रहेगा, मतलब इसको सेल के साथ में या टिश्यू के साथ में या ऑर्गन के साथ में स्टिक करके वहां पर उसको एंकरेज के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए। तो एंकरेज के लिए यहाँ पर होता है हुक्स एंड सकर, ओके? तो हुक्स, तो एंडोपैरासाइट है तो हुक्स, आपके हुक्स हुक देखे होंगे ना, वो सारे ऐसे हुक बोलते हैं जिसको, जिससे कि कोई भी चीज को ऐसा पकड़ा जा सकता है, ओके? एंकरेज के लिए हुक यूज करते हैं, हुक्स फॉर एंकरेज। हाँ बेटा, पावर कट हो गया है, बहुत तेज बारिश और चल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ बारिश के कारण उजाला भी नहीं आएगा, आपको स्क्रीन भी प्रॉपर नहीं दिखेगी, लेकिन ये अगर खोल दिया तो पूरा प्रॉपर, ओके, विजिबल नहीं होगा आपको, है ना? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, नोट्स आपके इसमें टाइप कर दूंगा,
या फिर मैं ये बोर्ड पर लिख करके आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ओके मैं कैरेक्टर एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। अगर लाइट अगर आ जाती है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी वहां पर फिर से तो हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हुक्स वहां पर होते हैं एंकरेज के लिए, ओके कि वहां पर वो चिपक सके, वहां पर टिश्यू के साथ में ऑर्गन के साथ में एडहर कर सके, अपने आप को रोक सके बॉडी पर। ओके तो इसके लिए वहां पर हुक्स होते हैं। और ये पैरासाइट बने हैं, क्यों बने पैरासाइट? क्या किसी एनिमल के साथ या ह्यूमन बीइंग के साथ में उसकी कोई दुश्मनी है? क्यों पैरासाइट बना है? पैरासाइट इसलिए बना है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन चाहिए। वो जब उसका काम कर रहा है तो हमें भी अपना काम करना चाहिए, हमें भी हमारी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए। ओके तो हम भी उसके अगेंस्ट में अगर कोई प्रॉपर होता है तो हम भी वहां पर एंटीबॉडीज रिलीज करते हैं। ओके तो लेकिन ये वहां पर रुका है फूड के लिए, तो न्यूट्रिशन कैसे ड्रॉ करेगा किसी भी होस्ट सेल से? तो इसके लिए इसके पास में स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम बोलेंगे सकर्स। ओके हुक्स फॉर एंकरेज एंड सकर्स फॉर अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन ऑफ व्हाट? अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट सेल, होस्ट सेल से न्यूट्रिशन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर होते हैं। तो हुक्स एंड सकर ये स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स हैं। ओके न्यूट्रिशन हो जाएगा इसका अब्सॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके जो सेल्स के पास में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट है बन चुके हैं उसको ये सीधा अब्सॉर्ब कर रहा है, तो अब्सॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा इसका, अब्सॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ओके पचा पचाया खाना मिलेगा इसको, ये सीधा ड्रॉ करेगा वहां पर, तो अब्सॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। देन डाइजेशन हो गया, उसके बाद में इनके पास में स्पेशल टाइप की सेल्स होती है एक्सक्रीशन के लिए, विच आर कॉल्ड एज फ्लैम सेल्स। ओके फ्लैम सेल्स फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। देखो एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन का मतलब है नाइट्रोजिनस मटेरियल्स को, हार्मफुल मटेरियल्स को बॉडी से रिलीज आउट करना। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाना। अब ऑस्मोरेगुलेशन बिना एक्सक्रीशन के भी हो सकता है कभी कभार। ओके एक्सक्रीशन तो जब ज्यादा ऑस्मोटिक कंडीशन हो जाए बॉडी में, ज्यादा वहां पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए किसी मटेरियल का, तो दूसरी सेल्स को दूसरे पार्ट को देख करके भी ऑस्मोरेगुलेशन कर सकती है, वैक्यूल्स में बचा करके भी ऑस्मोरेगुलेशन कर सकती है। बट जब हम बोलेंगे एक्सक्रीशन हो रहा है तो एक्सेस वाले मटेरियल को ही बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है, तो ऑस्मोरेगुलेशन के अंडर में ही एक्सक्रीशन आता है, बट ओनली एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन नहीं है। ओके तो एक्सक्रीशन में ओनली बॉडी से हार्मफुल मटेरियल्स को रिलीज आउट किया जाएगा, ऑस्मोरेगुलेशन में मैनेज किया जाएगा कि या तो बॉडी से बाहर जाए एक्सक्रीशन के थ्रू या बॉडी के किसी दूसरे पार्ट में ही उसको जमा कर दिया जाए, एक्युमुलेट कर दिया जाए। फ्लैम सेल्स एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए हेल्प करती है फैटी हेल्मिंथीज में। तो पहली बार कोई स्पेशल टाइप की सेल्स बनी है। ओके देखो इवोल्यूशन में फैटी हेल्मिंथीज ये वर्म्स कितने काम के हैं, हम जैसे इवॉल्व ऑर्गेनिज्म इसी से बन पाए हैं, हम ऐसा बोलते हैं अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें कि हम इवॉल्व हुए हैं अलग से दूसरे ऑर्गेनिज्म से बने हैं। तो यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर ये चेंजेस आ रहे थे इसलिए हमारे पास में ऐसी फ्लैम सेल्स से फिर आगे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से फिर पहले तो प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया से वहां पर नेफ्रॉन, नेफ्रॉन से फिर किडनी। ओके ऐसे स्ट्रक्चर बने होंगे तो फ्लैम सेल्स पहली बार यहाँ पर। ओके अब रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म देखते हैं। तो अभी तक हमने कहा था कि वो बाइसेक्सुअल है। यस बेटा बोलो सर, थर्ड पॉइंट रिपीट कीजिए ना, आपने क्या लिखा है वो? थर्ड पॉइंट मैंने लिखा बेटा फ्लैम सेल्स, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बेटा। फ्लैम सेल्स अगर
प्लैंसस लिखा है, प्लैंसस लिखा है फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। नेक्स्ट सेक्सेस वहां पर, तो यहां पर भी तीनों फोर्स के जैसे सेक्सेस सेपरेट नहीं होंगे, मतलब बाइसेक्सुअल होंगे, बट वहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन था, यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, दैट इज ये बाइसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल एनिमल के लिए हमने क्या टर्म यूज की थी बेटा कल? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, वेरी गुड, हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट प्लैटी हेलमिंथीज भी कैसे है? हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल एनिमल्स है। फर्टिलाइजेशन, क्या मेल एंड फीमेल गैमेट? तो बाइसेक्सुअल एनिमल है मतलब एक ही इंडिविजुअल प्रेजेंट है, कोई मेल और फीमेल अलग अलग नहीं है, तो क्या इसी बाइसेक्सुअल एनिमल की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे, या तीनों फोर्स के जैसे कॉम जेरिस के जैसे बाहर फ्यूज होंगे? तो यहाँ पर तो वाटर बॉडी नहीं है, बस इसलिए बॉडी के अंदर ही फ्यूज होंगे, इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये शो करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा स्टेजेस होती है लार्वा की। एक लार्वा जो है वो एडल्ट बनते समय 5 स्टेजेस से गुजरता है, तो 5 टाइप के लार्वा बनता है एक ही वहां पर, लार्वा मोल्टिंग करता जाता है। इसमें लार्वा प्रेजेंट है, लार्वी प्रेजेंट, तो कौन से टाइप का डेवलपमेंट हुआ बेटा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ओके, अब इसके मेंबर्स आपको लिखना है, प्लानेरिया, टैपवर्म, लीवर फ्लूक, फेशियोला हिपेटिका जो ह्यूमन बीइंग के लीवर को अफेक्ट करता है। ओके, तो ये जो मेंबर्स आपको वहां पर लिखेंगे, तो प्लानेरिया में रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, वो भी आप नोट कर लेना लास्ट पॉइंट वहां पर। ओके, और डायग्राम आप लोग बना लोगे यहाँ पर, तो मैं स्क्रीनशॉट जैसे ही पावर फिर से आएगी, रिज्यूम हो जाएगी, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दूंगा बेटा इसका। ओके, आपको लास्ट पॉइंट लिखना है बस वहां पर, प्लानेरिया एग्जिबिट ग्रेटेस्ट पावर ऑफ रीजनरेशन। ओके, ये पढ़ चुके आप लोग 9th-10th में कि वो रीजनरेट हो सकता है, जितने भी फ्रेगमेंट में टूटेगा नए फ्रेगमेंट से फिर से नए प्लानेरिया बन जाएंगे। ओके, डायग्राम भी आपको बनाना है, और अगर आज टेस्ट अगर मैं आपको दूंगा, कंडक्ट करूंगा, तो आपको नोटिफिकेशन भेज दूंगा। ओके बेटा, बाय, क्लियर, मिलते हैं बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर लीवर फ्लू का